मुंबई शोर शराबे से भरा एक शहर, और इस शोर शराबे के बीच कुछ खास आवाजें ढूंढ रहा था एक साउंड रिकॉर्डिस्ट माइकी। ढूंढते ढूंढते उसे मिली एक धुन, एक ऐसी धुन जो सबको नचाने वाली थी। जस्ट मिनट, अपनी धुन पे। अरे कम फ्रेंड, कम कम भाई, भाई फॉरेन से आया है देखने के लिए। सी इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल। बहुत जास्त ज्ञान देवी ने कहा पुणे जाऊ दिया मला आता। थैंक यू। मराठी बोलते क्या भाव कर रहा है भाई? कल बजाएगा क्या? क्या मैं बजाऊं? ये धुन सबसे पहले उसे नचाने वाली थी जो सबको नचाती है, क्रिस, अ म्यूजिशियन फ्रॉम न्यूयॉर्क। क्रिस, कम हियर। हे, वेयर हैव यू बीन? हे, लेटर लेटर। पहले ये देख, लिमिटलेस म्यूजिक फेस्टिवल, द विनर गेट्स टू ओपन द शो। तू ही तो बोलती रहती थी कि खुद का म्यूजिक बनाना है, यही तो अपॉर्चुनिटी है। देखो, सिर्फ दो गाने बनाने हैं और 3 महीने में सबमिट करना है। लिमिटलेस फेस्ट के लिए जो 2 गाने बनाने हैं वो मैं इनके साथ बनाऊंगी। टुगेदर आई थिंक वी मेक अ ग्रेट बैंड। बट डू यू नो देम? तू यहां और वो मुंबई में है, तो ढूंढना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ढूंढना पड़ेगा? अब मैं उन्हें ढूंढने जाऊं? यार, एक तेरे को साउंड क्लिप क्या भेज दिया मैंने, तू तो पीछे पड़ गई। क्रिस, और लिसन, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों साथ जाते हैं उन्हें ढूंढने को। ठीक है? ठीक है, तो आती हूँ मैं। What do you mean? Hello? Chris? Chris? ठीक है, तू जा। लेकिन उनको ढूंढेगी कैसे? मेरी एक फ्रेंड है, whose uncle knows Mumbai inside and out. कौन फ्रेंड? वही फ्रेंड जिसने पोस्टर दिखाया था। Hang on. No. No, 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 no. Not Pandit uncle. Yeah. वो तो बिल्कुल पागल है। Please, not him, okay, Chris? Relax. Nothing's gonna happen. Just tell him I'm coming to Mumbai, period. You have to help me. Please. Okay. अब आइए मिलते हैं उनसे, जिनको आइडिया ही नहीं है कि 7 समुंदर पार उनका कितना डिमांड हो गया। अपने बैंड का पहला मेंबर, पेपर। पैसे आते हैं जिले पेपर डालता है, मजा आता है कि जिले धापी बजाता है। वैसे बजाता तो पेपर का बाप भी है, और उसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है पेपर। पेपर की माँ लेडी आलोकनाथ, इसकी बस एक ही डिमांड है, पिन जैसी। साइज में छोटी लेकिन टोचन में बड़ी। बेटा, पानी लेके आना। दिन हो या रात, ये चिकने, धूप हो या बरसात, डिसेंट्री हो या बुखार, मातम हो या त्योहार, इंडिपेंडेंस डे हो या लव डे, पेपर एक ही जगह मिलता है, पानी की लाइन में। इसीलिए पेपर का सिर्फ एक ही सपना है। डॉक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीवी एंकर, खुद का टैंकर। पा, 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 पा।
ग्रीस बोल ग्रीस हाँ बोल ग्रीस अरे बोलना कहाँ है रे इधर ही तो खड़ा हूँ चिढ़ा था इस साले ग्रीस सेकंड मेंबर ऑफ द बैंड इसे इंग्लिश आती है ए टू एम टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर दो चीजों के साथ ग्रीस की ट्यूनिंग जम गई है पहला इंजन और दूसरा ड्रम लेकिन अपने दूसरे टैलेंट से ग्रीस को शर्म आती है कालिक से घिरे हुए ग्रीस का एक ही सपना है सफेदी सफेद दीवार सफेद सोफा सफेद टेबल सफेद कबर्ड लैंप फोटो चेयर पैंट शर्ट गॉगल घड़ी सब कुछ सफेद ही सफेद चल निकलेंगे रे सीधा डायरेक्ट अड्डे पे क्या ग्रीस भाई कैसे हो ग्रीस भाई चलो ना मराठी में शहनाई को वाजंत्री बोलते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ गया वाजा अपना थर्ड मेंबर नॉर्मली एक शादी में सबसे दुखी होता है लड़की का बाप फिर उसकी माँ फिर उसका एक्स लवर और फिर लड़की लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी होता है वाजा अबे वे वाजा छुट रे चल मगर वाजा का यही थोपड़ा देखने लायक होता है जब वो ताशा बजाता है वैसे वाजा का भी एक सपना है उसने सुना है कि हवाई जहाज में सीट के ठीक ऊपर एक बटन होता है जिसको दबाने से खूबसूरत लड़की धीरे धीरे सीधे आपके पास आती है और जो बोलो वो देती है सर हाउ कैन आई हेल्प यू मैं रेडी है दारू की जगह गिर जा रहेगा इसे गिर गया क्या ये है अपने बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर इसका हाथ आदमी पे पड़े तो आदमी हिल जाता है और अगर बेंजो पे पड़े तो भी आदमी हिल जाता है बेंजो की दुनिया का बच्चन कॉरपोरेटर पाटिल के लिए हफ्ता वसूल करता है लेकिन आज तक अपने हिस्से की इज्जत वसूल नहीं कर पाया अरे बापू तुम लोग क्या बजाता है हा? हमारे एरिया में सबने बोला कि नवरात्रि में तुम लोग नहीं तो नीचे उतरेंगे ही नहीं तुम लोगों का वो गणपति का गाना एकदम सरस पब्लिक ऐसा नोट हाथ में लेके उड़ाने के लिए तैयार रहता है बोलो और तुम अभी डबल मांगते हो नहीं इतने मंडल सामने से आया तो डबल मांगने का ये ठीक नहीं है जिंदगी दो चॉइस देता है जो मिलता है वो हाथ फैला कर ले लो या फिर जो मांगता है वो हाथ उठाकर छीन लाओ अब तुम डिसाइड कर लो अपन को तो डबल मांगता है तू बोले तो ठीक है चलता है कैसे समझाना एकदम डबल मांगता है भाई काई को डबल यार अभी अभी तो डिमांड में आए ले डिमांड में तभी तो डिमांड कर सकता है बोले तो तेरे समझने का उम्र नहीं है जब होगा तो समझा देगा तेरे को क्या बात बोला तार भाई सॉलिड ये क्या समझा तेरे को समझा कुछ नहीं पन तराट भाई ने बोला है तो बराबर होएगा बराबर होएगा मैं पागल हूं जो तुमको तीन दिन से समझा रहा हूं तुमको सुनाई नहीं दे रहा है या तुमको सुनना ही नहीं है मुंबई जाएगी बोलना ही बेकार है तुम चलो तुम्हें लेट हो रहा होगा पहुंचने के बाद मुझे फोन कर देना प्लीज डोंट वरी मॉम इट्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज एवरीथिंग्स टेकन केयर ऑफ बट बी केयरफुल मुंबई शहर तो बहुत अच्छा है लोग भी अच्छे हैं पर सभी अच्छे नहीं हैं कैसा बजा कुछ एकदम तोड़ू भाई लेकिन थोड़ा और अच्छा बजाता ना तो
तो क्या रे, तेरे को लगता है तराड़ अपने से अच्छा बजाता है? वैसे नहीं भाई, लेकिन वो गणपति भी उसके पास गया ना। अपने नसीब का खा रहा है वो, अपना भी टाइम आएगा। नवरात्रि का टॉप का मंडल तो अपने खिसे में ना, जाएगा कहाँ साला। और क्या भाई, नवरात्रि भी गया है हाथ से। उस तराट को डबल में डन किया है पार्टी ने। क्या भाई, डबल में? तराट तराट तराट, मक्का बंबू लेके घुस गया साला। मन कर रहा है जिधर मिले ना उधर जाके ठोक दो साले को। इस बार ऐसा बचाऊंगा, ऐसा बचाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, बस देवी आंधे। Mom, I've reached Mumbai. It's so colorful. कितनी बार बोला बे, ऐसा मुंह से पैसा नहीं उठाने को। शेम डोंट कम। साला ये ऐसा करता है ना, इसलिए लोग अपन को भिखारी समझता है। तू मुझे बता, तबले वाले को कोई बोलता है क्या ऐसा मुंह से पैसा उठाने को? हारमोनियम वाले को कोई बोलता है क्या? इसलिए अपन को बहुत ज्यादा शर्म आता है बताने को कि अपन बैंजो बजाता है। साहब, आपका भेजा फ्राई। ये कम था जो तू एक और लेके आया, दे इसको। तू उस दिन पूछा था ना डबल चार्ज काय को, तो सुन, आधा बैंजो बजाने के लिए और आधा ये बेइज्जती के लिए। अपने जिंदगी में तो इज्जत मिलने वाला है नहीं, तो फिर क्यों ना हम डबल चार्ज करके एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर ले। क्या बोलता है? क्या सॉलिड बात बोला तरण भाई, समझा कुछ नहीं, पर तराट भाई ने बोला तो बराबर ही होएगा ना। समझता कुछ नहीं, खाली बराबर होएगा, बराबर। अबे ए स्टेपनी, डबल पैसा मिला तो डबल चर्बी चढ़ी क्या? जिंदगी तेरे को दो चॉइस दे रहा है, या तो इसको यहीं बचा दे, या फिर इसके सामने डबल कमा के इसकी बचा दे। चल। चक्कर जग सारा पे चक्कर है, फिक्र है अपना दिल यारा। चक्कर जग सारा पे चक्कर है, फिक्र है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां, गरम गालियां पके, करे तो दिन बाजियां करे पगला के। नचे पीप 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 छोड़ घर बार यूं ही फटके जरा जो यहाँ।
5,000 रुपए एयरपोर्ट से यहां तक होता है यहां पर फॉरेनर्स के साथ अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बाय द वे, जो तुम ढूंढ रहे थे द बीटल्स फैब फोर पोस्टर। थैंक्स वेरी मच, सुपर। चलो, तुम्हारे आने का कुछ तो फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच। नाउ कैन वी डिस्कस द प्लान? द प्लान। सो बेसिकली ये बैंजो एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। प्रोफेशनल बैंजो प्लेयर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्लम्स, चॉल्स, इन जैसी जगहों पर मिलेंगे ये लोग। दैट्स बेसिकली 40% ऑफ मुंबई की पॉपुलेशन के बीचों बीच। अंधेरे में कोयला ढूंढने जैसा होगा। तैयारी है ना? ऑफ कोर्स। ये झोपड़पट्टियां शहर में वही काम करती हैं जो अपने शरीर में बीमारी काम करती है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो वैसे दिखाओ, एग्जैजरेट। क्या हुआ? क्या इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है? आफ्टर ऑल हमारी एक रिसर्च एजेंसी है, तो सब करना पड़ता है, यू नो। एक ये बंद करो, लाइट्स प्लीज। बाबा, तो ये अपने भुलानी बिल्डर्स, उनको कौन ना बोलेगा? उनको इन झोपड़पट्टी वालों के खिलाफ रिपोर्ट चाहिए तो बना देंगे। एक्सक्यूज मी, आई एम क्रिस। क्रिस, बहुत खुशी की बात है। तो आप सब लोग जा सकते हो, निकलो निकलो, चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। क्रिस, आई एम मीरा'स फ्रेंड। कौन मीरा? योर नीस फ्रॉम न्यूयॉर्क। आई वाज सपोज्ड टू मीट यू टुडे। कैसी है मीरा? कैसी है? एंड ओ, यू वर सपोज टू मीट मी एट 10। या एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दैट, मुझे नहीं पता मीरा ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन यहाँ मुफ्त की मदद तो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ना ना, वैसी बात नहीं है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, पर बेटी तो नहीं हो। मीरा ने कहा मुझे तुम्हें कुछ वो बैंजो पार्टी वाले लड़कों को ढूंढना है। ठीक है, एक हाथ से अपना काम करो, एक हाथ से हमारा काम करो। लेकिन क्या काम करना होगा? स्लम्स वालों के खिलाफ रिपोर्ट बनाने के लिए पंडित ने क्रिस को वहां भेजा तो सही, लेकिन जाने अनजाने वो चल पड़ी थी अपनी मंजिल की तरफ।
Hello, sir. Can I come in? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए मैडम, कैसी है आप? आइए 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 बैठिए. पंडित बोला तुम स्लम रिसर्च के लिए आई हो न्यूयॉर्क से. कुछ जेटलॉग बिटलॉग तो नहीं है ना? जी बोलिए, क्या लेंगे आप? पानी, नींबू पानी, चाय, जूस, कॉफी, चिकनजी, नीला, जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक, माजा, तुजा, कुछ भी बोलिए. नो थैंक्स. आराम से बैठ, आराम से. अरे एसी लगा रहे? एक खास गाइड मैंने आपके लिए बुलवाया है. थैंक्स. व्हाई सो मेनी पीपल ऑन वन पोस्टर? इक्वल अपॉर्चुनिटी. अरे आया क्यों नहीं अब तक? सलाम साहब, सॉरी वो देर हो गया. वो सारा बिल्डर वसूली के लिए. नहीं, नहीं, वो छोड़ वो छोड़ वो छोड़ वो छोड़. बैठ बैठ, इनसे मिल. ये है क्रिस मैडम. इनको बोले वो दिखाने का. वैसे क्या है, हमारा एरिया भी एकदम नीट एंड नीट है, लेकिन आप लोग चले गए ना करके एक हफ्ते से सफाई काम बंद. इनको अशोक नगर का संडास दिखाने का, जानू पाड़ा का नाला दिखाने का, सुवर दिखाने का, आजाद नगर का, और वो गरीब बीमार फकीर लोग का कलेक्शन जास्ती ना गणेश नगर में, उधर भी लेके जाने का मैडम को. तो सुन रहा है ना? सुन रहा है सब. कोई कंप्लेंट नहीं आने को मांगता, समझा ना? चले मैडम. आइए मैडम. ये सब और गंदा हो जाएगा. ये भी. साथ साथ हो चैन, मेरे दिल का है यही रैन. कौन है बे? तरण भाई. सलाम. सलाम भाई. हाँ भाई. तरण भाई सलाम. सलाम बाबा. अरे सलाम तरण भाई. हाँ. मैं भी भाई बोलूं? चल. नंदकिशोर मेरा असली नाम. वो तो इज्जत से सब लोग भाई बोलता है, और प्यार से तराट. तराट means? तराट मतलब बेवड़ा, पीने वाला. चल बे. कुछ भी शेन भी लगाता है. पीने वाला, दूसरों का दर्द पीने वाला, दोस्तों का दुख पीने वाला, और दुश्मनों का खून पीने वाला. तराट. Cool. I'll call you tarot. चलेगा, चलेगा. So, you know everything about the slums? हैं? सब जानते हो? Everything? Mm-hmm. Yes, yes. किसी बैंजो वाले को जानते हो? नहीं, अपन बैंजो नहीं बजाते हैं. मेरा मतलब है कि अपन किसी बैंजो वाले को नहीं जानते हैं. वाई बैंजो? बैड बैंजो, नको बैंजो. यू कम, आई आफ्टर यू. गलियां छोटी हैं, पर उम्मीदें बहुत बड़ी है मैडम. हमारे हिस्से का पानी, जमीन, आसमान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ने छीन लिया. पानी मिलेगा साहब? सिर्फ आधा घंटा. फैंटास्टिक.
क्या हुआ, कोई मिला? मैंने चार स्लम्स के छान मारे, चार चार बस्तियों में खोजा, पर किसी को पता नहीं वो चार स्टार वाला लाल बेंजो किसका है। दे आर एब्सोल्यूट पार्ट टाइमर्स, कोई भी हो सकते हैं, दर्जी, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, पेपर वाले। वो तुम्हारे सामने होंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। अयो बहुत दिन के बाद दुल रही है, बहुत घिसना पड़ेगा। तराहट उठ गया। इतना सुबह सुबह और सिंटेक्स के टाक की जितना पानी से नहाया। चायला बाटली की जगह बाल्टी। एकदम विदेशी लग रहा है तू। किधर से लाए ये सब? पाटिल साहब, आपके स्पेशल चाय। क्या आज नहीं आपको नौकर? तराट। ये सबको चाय? नहीं। वो तराट के बारे में क्या बोल रहा था तू, वो बोलना। अरे हमको देख के कैसा शाइनिंग मारता है। अच्छा, और उस दिन लड़की के पीछू पीछू घूम रहा था। एकदम सही बोलता है तू, देखा अभी तक नहीं आया वो इधर। फिर देखो अभी तो वो आपको भी लटका रहा है। कटिंग। बड़े साहब, आपके अंदर से तराट का आवाज कैसा आया? अब तराट के अंदर से ही तराट का आवाज आएगा ना। तराट भाई, ये रुक। अरे भागता का है, रुक। ये रुक। मैडम, मैडम तराट, व्हाट आर यू वेयरिंग? English style. आपके लिए। I like the Indian better. This? No. Yes. I love it. Love. आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गए, भोले सनम के धोखे से दिल पे वार कर गए। जब से अपनी देख गई नर्म छुअन तोड़न छु, हुआ हुआ मेरा चैन तोड़न छु, उड़न छु रहे नी दे सारी रैन, उड़न छु
हुआ हुआ मेरा चैन उड़न्छू रहे नींदे सारी रैन उड़न्छू इश्क एक तरफा जो उधार कर गई हम बड़ा ही काम का विकार कर गए अपनी धुन करके गई मस्त मगन उड़न्छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न्छू उड़न्छू रहे नींदे सारी रैन उड़न्छू उड़न्छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न्छू उड़न्छू रहे नींदे सारी रैन उड़न्छू शुमार कर गई धीमी सी जलती छोड़ गई ऐसी अगन तोड़न्छु हुआ हुआ मेरा चैन उड़न्छु उड़न्छु रहेरी ने सारी रैन उड़न्छु उड़न्छु हुआ हुआ मेरा चैन उड़न्छु उड़न्छु रहेरी ने सारी रैन उड़न्छु आँखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गई कुछ बोला तू हाँ क्या बोला उड़न्छु हुआ हुआ मेरा ये कटिंग कुछ पूछा तूने अब रात को किधर चाय पूछेगा चाय रात बरोबर ये ये अम्मा अम्मा यंदल पूछा तूने कुछ क्या रे कान में भी दारू डाला क्या अम्मा सॉरी क्या लड़की कौन क्रिस क्या बोल रहा तू अपन उसमें पिता है उसको देखकर अपने थोबड़े पे मस्त स्माइल आता है अभी भी आ रहा है अपन पतंग वो अपनी डोर वो मोरनी अपन उसका मोर ऐसा बोल रहे तू धीरे से बोल कोई सुन लेगा बाबा जिंदगी दो चॉइस देती है क्रिश जैसी लड़की से झट से शादी कर लो या फिर फट से शादी कर लो क्रिश जैसी लड़की से तेरे को कैसी लगती है क्रिश क्या
बहुत अच्छी लगती है, यही बहु मांगती है। अगर मैं उससे शादी नहीं करेगा तो तुम उससे कभी बात नहीं करेगा? नहीं, ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है। खुश अभी किसी और को बोल मत। लेकिन सुन, तू भी अपना एक बात मानने का, जिसको तूने बैंजो सिखाया ना, उसके शादी में तू बैंजो बजाएगा। और सिर्फ बजाएगा नहीं, तू गाएगा भी। हाँ, गाना पापा, बहुत नींद आ रहा है पापा। तू गाना, जैसा बचपन में गाता था ना वैसा। कितना साल हो गया बाबा तू नहीं गया। मैडम, ये है हमारे एरिया का मरीन ड्राइव। अच्छा। और ये सॉलिड भेलपूरी बना था, आप खाना करो। कैसे दादा? अरे सलाम करे। और ये यहाँ का कॉफ परेड। ये कचरा रोज यहीं पर आता है ताजा ताजा। माल है दे, कड़क माल है। अभी भाभी है। हाँ, भाभी माल है। दिखेगा ना अपने लिए सही है। हाँ ना? अपने को तो ऐसा सफेद सफेदी मिलता है। अभी अपनी सफेदी कहीं और ढूंढ। और तू बोला ना, अपने वैसे ही किया। अपन नहीं बोला कि अपन बैंजो बजाता है, इम्प्रेस खराब होता है। अपन बोला प्रोडक्शन। स्मार्ट बॉय। आई इंट्रो दिला भाई, मिलवाना प्लीज प्लीज। मैडम मैडम। हाय, आई एम ग्रीस। Namaste, Greece. Namaste. And who are you? Tarat friend. Oh. Indeed, indeed. Oh, cool. What do you do? I am mechanical engineer. Mechanical engineer. Oh, cool. Mechanical engineer. What? Another friend. Paper. Hi, Paper. Hi. Namaste. So, what do you do? Yeah. Distribution. Oh, what is that, actually? Yeah. One more friend. Always frustration. मेरे से पंगा लोगे? रेलवे लाइन क्रॉस करने में खतरा है, आदमी की जान जा सकती है। जाइए ना ऊपर, जाइए। ए चल, कट 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 कट। हाँ, यस मैडम। अहिला, पायरेट बोला, पोपट। क्या है वे? राट भाई, पोपट होशियार होता है, पेरू भी खाता है। चारेट। यस मैडम। और मालिक जो बोलता है वही करता है। चल भाई, इधर टाइम पास अलाउड नहीं है। बाय थारेट। चल चल। मैडम, डबल पैसा लोगे? लोग कैसे चार्ज नहीं करते? मैडम, आजकल आप आधा दिन ही आते हो। बचा दिन कैसे निकलता है, क्या बोला? सॉरी, नहीं मेरा मतलब है बचे दिन में काम नहीं रहता ना, तो निकलता नहीं है। आप क्या करते हो? The rest of the day में banjo bands ढूंढती। बाजिया, रेलवे ट्रैक, मैटर। क्या बात कर रहा है? चल दिखा मुझे, चल। Hey, what's happening? वो मैं मार के आता हूँ, चल। मेरा धंधा चीनो, डबल पैसा लोगे? मार काले को, मेरा धंधा चीनो। क्या हो बे? हंस क्यों रहा? क्या भी तेरा रोने का डर पास हो गया? छोड़ दो।
हर बार पुलिस टाइम पे नहीं आती, आज तेरा नसीब अच्छा है, अगली बार ऐसा नहीं होएगा, समझा रा साले। ए, चल चल भाग यहां से। क्या है? क्या बोला? पुलिस लेट आता है, जब टाइम पे आता है ना सामने वाले का बुरा टाइम चालू होता है, समझा? क्या देखते रे? हां चल 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 काठी अंडर है थैचा आयला भाग यहां से। अकेले रे तू, एक तो रख के देने का था। आ बाबा, भाई अपना वो जगदीश है ना इलेक्ट्रिशियन, हाँ, तुमको मिलने को मांगता है, भेज उसको। जगदीश आजा। ओके भाई, ऐसा सॉलिड न्यूज लाया हूं ना, ब्रेकिंग। तेरी माँ की दूसरी शादी फिक्स हो गई क्या? बैंजो बजाने वाले चाहिए? अरे भाई, एक फॉरेनर लड़की अक्खा मुंबई में बैंजो वाले को ढूंढ रही है, इतना बड़ा सुपारी। बैंजो लड़की? साला, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। जब बैंजो बजाने का वक्त आता है तुम लोग कुछ और बजाने का सोचते हो, इसीलिए तो रात अपने से आगे निकल गया। वो थोड़ी अपने लड़कों को मारता है। नहीं भाई, तेरे को ज्यादा पता है। नहीं ये बातों ने किसी और को बताया? नहीं, अभी बोलने का है, बताने का भी नहीं, समझा? अपना मुंह बंद रखने का, ठीक है ना? जा, उस लड़की के साथ अपना मीटिंग फिक्स कर दे, चल बैठ यहाँ से। क्या देख क्या रहे तुम लोग? चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्रिस, मैं बोल रहा हूँ, वो लोग नहीं तो यही सही, ये लोग भी तो उनके टक्कर में है। एक दो दिन सोच लो, हमारे पास अभी टाइम है ना, और वैसे भी वो लोग मिल नहीं रहे, और फिर hey, मैंने देखा। ओके क्या? Just put it back. पर हुआ क्या? He flicked the plectrum. ओ मैडम, ज्यादा ताव में नहीं आने का, समझी ना, चिंदी आइटम है, अपन भी खरीद सकता है, बोलो कितना अभी रोकड़ा देता है। You can't buy everything. कुछ चीजें अर्न करनी पड़ती हैं। तुम नहीं समझोगे, जस्ट गेट आउट। आवाज नीचे रख के बात करने का, प्लीज, समझी ना? ओके ओके गाइस, चिल, चलो बस, समझा इसको, लौड़ में आ रही है, चल निकल, चलो भाई, अपने पास से आई कहां जाएगी, ठीक है ठीक है, चलो चलो। व्हाई इज शी लुकिंग सो हैप्पी? व्हाई? बिकॉज शी इज हैप्पी, शी लव्स गोइंग टू स्कूल। Don't argue with me. और बहुत ज्यादा कानून की देवी बनने की कोशिश मत करना, आग पे पट्टी बांधो और जो काम दिया है वही काम करो। वो जो बैंजो पार्टी है तुम्हारी, उनको ढूंढना है कि नहीं? क्या हो रहा है? और गुस्सा आ रहा है? हाँ? मुझे गाली देने का मन कर रहा है? नहीं दे पाओगी, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनकी तुमको जरूरत है। ये लो और जाओ। गो गेट आउट। मैडम, ओ मैडम, मैडम, पैसा। बच्चे ऑडिशन है। ऑडिशन ऑडिशन कुछ नहीं, अब इधर आया बजाया, पैसा तो मांगता ना भाई। बराबर है भाई। चलो रे, वो देशमुख की हल्दी में जाके बजाते हैं, साला उधर कुछ पैसा मिलेगा। ये हालत है, अब तक तुम सिर्फ बेस कैंप पहुंचे हैं, अब तो पूरा पहाड़ बाकी है।
आया छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। कल का राशन भी आज ही खाएगा क्या? तो तूने मुझे क्या छोड़ दिया था? होकट में आता है क्या खाना? अरे खाते खाते एक दिन तू हम सबको खा जाएगा। नीचे क्या देख रहा है? हाँ उठा कर बाप को देख रहा है? बाप को घूर रहा है तू? क्या चल? आप नया का क्यों कहा? क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला मैंने? कुछ काम नहीं कर रहा, खाली बिल्ली घूम कर रहा है लड़का। ए बाजिया चलना, अमीर लोगों का शादी है, बाप दुबई में प्लम्बर है, अरे घर में फ्रिज भी है, अरे खाने में मस्त दम बिरयानी है बाप। पके भाई? हाँ। वो फॉरेन का लड़की है ना? हाँ। आजकल तराट के साथ घूम रहा है साला। गणपति लेके गया, नवरात्रि लेके गया, अब लड़की भी लेके जाएगा। किसके साथ है रे तू? ये सब छोड़ो, वो देख रहे बहुत क्या। कह रहे स्टेफनी, कहाँ जा रहे? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, बढ़। हॉट सरफेस, डू नॉट टच। इंग्लिश में बोलता है। आज तेरे को मैं तीसरी में झोंक देता। चल। Hey, कहाँ जा रहे हो? मैं मार के आता हूँ। I'm coming with you. Wait. What are you doing? अरे, वाजा भाई, वेबर भाई। वो मैटर? चल चल चल। अरे? पकड़ साले का, छोड़ना मत। ऐसी जगह वार करूंगा साले, आप मत सुनिए, बैठ नहीं पाएगा। क्या आई थी? आई वांट टू सी दिस। एक चिकन चिल्ली दे तरड़ भाई। हां तुमको देख लिया, मारा मारी करते हुए, गाली देते हुए तुमने अपने इस घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया है। अब मेरे को लगता है कि मेरे को भाभी को संभालना पड़ेगा। मैरिड पहले अपना सूप संभाल। मैडम आपको गलत लग रहा है, अपन लफड़े से दूर ही रहता है, आज लफड़ा सामने से है, नहीं तो ये मारा मारी, ये गाली और मैं नहीं नहीं पूछो बता। नहीं अच्छा है, आई लाइक इट। वो तुम क्या बोल रहे थे? यही कि वो अपन
गाली और मारामारी से दूर रहता है। नो 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 नॉट दैट। जो वहाँ बोल रहे थे वो गाली। हा? मुझे सिखाओगे गाली? लेकिन आपको गाली का कुछ सीखने का है? क्या रे पटेले फटाके, बहुत अंगार बाकी है क्या तेरे अंदर? साले फॉल सीलिंग, क्या लगता है तेरे को? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मार के पुरानी बिल्डिंग नहीं हो जाएगी? हाँ साले टकलू। टकलू? अरे कुत्रिया। कुत्रिया? हर बात पे गरम काई के लिए होता है रे। एक दिन तवे पे बिठाऊंगी ना तो ऐसे ऐसे जगह गरम होएगा कि झंडू वापस किधर बैठने को ही नहीं होएगा। पूरा दिन खटखट 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 साले हल्का। और एक दिन खींचूंगी ना तो दिमाग की नस खींचना भूल जाएगा। तू जा आइचा 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 गो गो। अच्छा तुमने अपने बॉस को ऐसे बोला? बॉस को? बॉस बॉस नॉट मी, मुझे नहीं। इट्स ओके एवरीबॉडी काम डाउन। सामान जल्दी चढ़ाना। अबे ये टैरेंट। हेलो मैडम। हाँ भार्गव जारेले में बिजनेस के लिए आपको मैं चाहिए? नहीं अभी तो काम नहीं है, यू कैरी ऑन। नहीं आप बोले तो रुकता है ना मैं। नो 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 आई विल मैनेज, यू कैरी ऑन। I'll see you soon. Okay? Bye. Bye. Thank you. अरे मेरे को बीच में बैठ दे। बाबा, ये तुम ही। चल कटिंग। ये कटिंग। बाबा का ख्याल रख। कितनी बार बोलेगा? रखता हूँ ना। चल ये कटिंग। अरे भाग भाग चट्टी गिर जाएगी। Look, Chris, छोड़िए सब। जो हुआ उसे भूल जा। हमारे पास अब भी वक्त है। एक लास्ट ट्राई मारते हैं ना? Yeah? Cool. Cheers. ठंडी बियर। इट्स बीन अ लॉन्ग डे यार। चलो घर चलते हैं। या यू आर राइट, मैं भी घर जाती हूँ, न्यूयॉर्क। क्या बात कर रही है यार? तब लगा आई शुड फाइंड दीज गाइस, तो आ गई। अब लग रहा है ये लोग नहीं मिलेंगे, सो आई वांट टू गो होम। क्रिस डोंट गेट सो इमोशनल यार। एक्चुअली आई एम नॉट, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। अभी गई तो एल्बम सबमिट कर सकती हूँ कुछ और करके। All of a sudden ये क्या हुआ तुम्हें? आई भी तो all of a sudden ही थी। अब मेरा my mind। ready रहता रे। हाँ मैं ready रहता हूँ। हर बार ready रहता है। उतार उतार उतार। चल 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 उतार भाई। चले मुगड़ी चल जाओ ऊपर। जल्दी उतार रे। चल चल चल। चल सामान उतार लेने। ए वाजिया। चल ले ले। ready भाई। आराम से आराम। ready भाई। Hello madam। हाँ। अपन वापस आगे ले। आपका आ रहा भाई। अपन तो कल्टी बिस्तर पे जाके सीधा लेट जाने का भाई। बैठना बजाते हैं। अरे थक गए भाई, तेरा भाई कल बजाते हैं ना। लेकिन मूड तो आज ही कर रहे ना। एक्सक्यूज मी, आप टैरट को जानते हो? टैरट क्यों? अरे ऐसे शुभ दिन पर उस मनुष्य का नाम क्यों ले रही हो? ज्योति
पर बैंजो के बारे में आपने हमसे पहले पूछा क्यों नहीं? मैंने पूछा था टैरेट से, इसने बताया नहीं। क्या? मैं मेरे को ये बोला कि मत बता बैंजो बजाता है, बोला कि अच्छा काम नहीं है, बोला कि बताएगा तो फिर कभी नहीं पट। हाँ, पटे पटे क्या पटे बोलना ए, क्या है? अरे क्या बोलना है? आगे क्या है? तू क्या बोलेगा बे? पटे क्या पटे? बोलना चुप बैठ। अरे मैं क्या बोलना चुप बैठ। गाइस गाइस लेट इट बी, थैंकफुली आप लोग मुझे मिल गए। यू गाइस आर द बेस्ट इन मुंबई, आप जैसा तो कोई नहीं है। यस वी हैड नो ब्रांच। सॉरी मतलब तू चुप कर। मैडम आप बोलो। मुझे जल्दी आप लोगों के साथ कुछ करना है। सबके साथ? हाँ सबके साथ। क्या बात है। तो फिर कल 11 बजे मिले। हाँ 11 बजे डन। तराड़ भाई। हाँ वो सुबह का 11 बजे बोल रही है। 11 बजे यही मिलते हैं। पहुंचेगा मैडम। बार बार टाइम देखने से टाइम पर नहीं आएंगे वो लोग। चलो एटलीस्ट एटीट्यूड तो रॉकस्टार वाला है। And how do you know these guys are the same guys? तुमने तो इन्हें देखा ही नहीं है। मैंने देखा है। With my ears. Chris, तू अपने कान से ही देख। Check it out. मुझे आपका बैंड ज्वाइन करना है। पहले ही नाव में छेद कम है क्या? क्या ये भी आ रही है? No, I'm serious. आपके भी घर में खाने के वांदे हैं क्या? हम पेट के लिए बजाते हैं। जब कमाए पैसे से पेट नहीं भरता ना, तो ज्यादा कमाने के लिए बजाना पड़ता है। ओके, अब तक पेट के लिए बजाया होगा। But now, play for your heart. It's such a short distance, पेट से दिल तक. Chris, let's not complicate it. We simply have to. ए भाई, ऐसा लग रहा है ये लोग कुंभ के मेले में अलग हो गए ले, इधर आके मिले ले। Which country, bro? ठाणे, bro. समझ लाना? तेरे और मेरे बीच का फर्क सिर्फ रंग और कपड़े का है, नहीं तो तेरे जैसा टपोरी तो आपन भी है। क्या बात कर रहा है यार? आगे बोलूं? बोल। Guys, हमें कोई सर्कस वगैरह नहीं ज्वाइन करना। क्रिस के साथ सिर्फ दो सिंगल्स रिकॉर्ड करना। सिंगल? बोले तो ट्रॉफी का लाल हरा। अरे वेडिया, दो गाने रिकॉर्ड करने हैं। गाने फिर उसे हम एक न्यूयॉर्क के म्यूजिक कंपटीशन में एंटर करेंगे। कंपटीशन मतलब पता है रे। ओके, और फिर अगर हम जीत गए तो भाई तुम लोग की चांदी होगी, हम लोग को क्या मिलेगा? एक नई लाइफ मिलेगी। मतलब लुक एट हिम, 50 सेंट। 50 सेंट मतलब? अरे वहाँ का आटा ना रे। ये उधर के गणपति में बजाता रहेगा ना? नो, गणपति में नहीं बजाता है, बट तुम लोगों की तरह था। एंड टुडे ही इज अ ह्यूज स्टार। जिमी हेंड्रिक्स, फेमस गिटारिस्ट। वाजिया, तेरा जेरॉक्स। वाजिया कब आप शहनाई बजाने गया था? लगता है कुछ भलता ही बजा के आ गया। तराड़ भाई, तुम भी ना। दे आर द बीजीज। ग्रीश भाई, सफेद सफेद। और ये लेड ज़ेपलिन है, इनके पास अपना प्लेन था। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए तुमको? अरे प्लेन में वो बटन वाला लेडीज भी रहता होगा ना, वो मे आई हेल्प यू? यस। तराट भाई करते हैं ना प्लीज। मैं तैयार है। हम रेडी है। ग्रेट। यस, इस बात पे लेट्स सेलिब्रेट। विदेशी दारू। अरे खोलो खोलो जल्दी। अरे पूरा दारू तो जमीन पे गिरा दिया, अभी पिएगा क्या? ये विदेशी को तो दारू का इज्जत ही नहीं है।
इससे तो अपना कंट्री अच्छा है। भुलानी साहब, खास आपके लिए लाया हूँ। कैसा लगा? इम्पोर्टेड? हाँ वो तो है, लेकिन ये कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वो भी ले लूंगा। लेकिन अभी चलेगा। आपके लिए एक छोटा सा भर दूं? नहीं। छोटा? अभी नहीं बाबा, पूरी बाटली उतारूंगा अंदर। हाँ, लेकिन पहले उस पाटिल को बाटली में उतार दूं। बहुत हरामी है सारा। बोल बुलाने। अरे पाटिल साहब, वो भगवान का तस्वीर देखा ना तो आपकी याद आ गई। कैसे हैं आप? कितना चाटेगा रे भुलानी, वो मैदान का जमीन नहीं मिलने वाला है। अरे बाबा क्या हुआ? अरे नहीं होना रे बाबा, वो मैदान वाड़ी के लोगों का क्लब है। सुबह से शाम तक उधर क्या क्या एक्टिविटी चलता है तुमको मालूम है? सुबह को पब्लिक डब्बा लेके बैठता है, शाम को बच्चा लोग डब्बा स्पेस खेलता है, क्रिकेट का कोचिंग चलता है, कपल लोग का सेटिंग चलता है, सिंगल लोगों का फील्डिंग चलता है उधर। मैटर हो तो मैदान, मांडवली हो तो मैदान, संगीत कुर्सी का धमाकेदार आयोजन, फैंसी ड्रेस का कंपटीशन, भेलपुरी का लारी, वड़ा पाव, भजी पाव का गाड़ी, गरबा, दांडिया, पूजा दूजा सब उधर होता है। मावा के समझाए क्या? उठा के दे देगा। अरे बाबा सुनो, डबल डबल ले लो। बुलानी मैं भी तेरे जैसा सांप है रे, बस तेरे जैसा मैं अपने लोगों को नहीं काटता। देखो जमीन मेरे एरिया में आता है, तू वो जमीन को बोल जा। अरे पाटिल साहब, एक बार नहीं बोला ना भाई तो नहीं। अच्छा ठीक है पाटिल साहब, अब आप लड़की थोड़ी है ना, कि आपके नाम में भी हाँ हो। आपने बोला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या कह रहा? इस पाटिल को बहुत चिंता हो रहा है पब्लिक का। कोई जाओ उसे समझाओ, चिंता चिता समान होती है बाबा। Welcome guys, आज हमारा first day है as a band, so first we'll start with hearing something. Stop, stop! नल चालू करने से पहले ही बाल्टी खींच लिया इसने। When I say start, then you start. No. Guys, let's focus here. Pay attention. बाकी सब ठीक है भाई? ये पहली बार कुछ चिल्ला रहा है अपने पे। पहली बार कुछ बड़ा भी तो हो रहा है। The tempo is wrong. Greece, can you try playing on 5/4? Mm-hmm. 7/4? Mm-hmm. Tarot, you continue on my vocals. Vocal kya hota hai? You understand? Vocal? What is understand? Yes, okay. Yeah. Greece, what are you doing? Can't you pay attention? Ye sab mazak hai kya? Oh, madam, hum gana bhi bajate hain aur mazak bhi karte hain. Aur ye school nahi hai. Aur na hi tum teacher ho. Ye bajao, wo bajao, phalana, dhimka, limka. आपको बहुत आता है बजाने, तो आप बजाओ। लो बजाओ, हमको कुछ नहीं आता तो काय को आया हमारे पास? ए भाई, हम गए थे क्या इसके पास? कम ऑन यार ग्रीस, ये तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है ना। हेलो मॉम, आई एम फाइन, या एवरीथिंग्स गुड, या आई फाउंड देम, हां सब अच्छा है यहां, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, डोंट वरी, ये सब मेरा ख्याल रखते हैं। या आई एम लर्निंग मोर हिंदी, लव यू मॉम, बाय।
मैडम अपन कुछ बोलना चाहता है। ये जो आप आपका म्यूजिक का भाषा वापरता है ना वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके दिल का भाषा है ना वो अपन समझ गए। एक रिक्वेस्ट है, आप इतना दूर तक आए हमारे लिए तो कदम और बढ़ा लो मैडम। आई एग्री। थोड़ा हमको समझ में आए ना आप ऐसा बोलो, फिर देखो हम क्या जलवा दिखाते हैं। सॉरी मैडम, आपने मम्मी को प्रॉमिस कर ही दिया है तो योर प्रॉमिस अवर प्रॉमिस, आप जो बोलो वो करेगा। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे शुरू करते हैं। हाँ मैडम। ठीक है। तरण भाई। हाँ। वो अभी भी सुबह का 11 बजे बोल रही है। Hey, relax. There's no need to be so stressed. Selection, rejection, it's all part of the game. You should know that. What's important is that one should be open to accepting both. So, are you gonna say no? Unfortunately, love, I'll have to. From where I stand, ye banjo, ye raste ka music hai. Aur hamare yahan रास्ते के लोग नहीं आते। लेकिन एक चांस तो मिल सकता है ना? मिल सकता है, but only to her. Look, sunshine, it's business. तुम्हारी credentials हैं, which works for me. Presence है, which works for me. And you are beautiful. And that definitely works for me. But this banjo doesn't work for me. Ek baar solo aa jao. Phir in logon ko dekhte hain. Sorry, Mr. Nair, but we're a band and we perform as a band. To phir main kya bolu? Hey, okay. I'll tell you what. I'll let you all know. Yeah? But quite honestly, chances bahut kam hai. How much? 5%. Main 0% pe New York se India aayi hu. So, 5% is not that bad. Thank you. लगता है आपका स्माइल किधर राउंड मारने को गया मैडम। अभी म्यूजिक के अलावा भी लाइफ में और बहुत कुछ है। लेकिन मेरे लिए तो यही है, इनफैक्ट तुम्हारे लिए भी यही होना चाहिए। इमेजिन फर्स्ट टाइम हम किसी और का म्यूजिक नहीं बजाएंगे, इट'ल बी आवर सॉन्ग, वी नीड द स्टेज। जिंदगी दो चॉइस देता है मैडम, या तो जिंदगी को गाली देते रहने का, या फिर जो जिंदगी मिले उसे गले लगाने का। मतलब? मतलब आपको पता है अपन को बाप नहीं है तो अपन ने ऐसे इंसान को बाप बना लिया जिसको बेटे का जरूरत है, घर नहीं मिला तो आसमान को छत, फुटपाथ को बिस्तर बना लिया, कभी हवा खाया कभी गाली खाया, और जब मिला तब खाना खाया। Tell me something. Do you have a girlfriend? Girlfriend? अपन को कौन हाँ बोलेगा मैडम? क्यों? तुम इतने अच्छे हो, कौन ना बोलेगी? कैसी लड़की चाहिए?
बताओ, we'll find you a girlfriend. बताओ ना, what's your type? कोई भी, सीधी सादी, आपके जैसी. Like me? हाँ. मेरी जैसी लड़की अच्छी girlfriend नहीं होती. मेरे dreams, मेरे relationship से more important है. चास्ती का पता नहीं मैडम, लेकिन इतना जानता है, जब दो लोगों का लाइफ एक होता है ना, तो उनका सपना भी एक ही मांगता है. अपना कभी गर्लफ्रेंड का ऐसा सीन हुआ ना, तो वो उसके सपने के बीच में कभी नहीं आएगा. उल्टा उसको बोलेगा, तेरे को उड़ने का ना, तो अपन तेरा प्लेन बन जाएगा. अगर तैरने का है तो तेरा बोट बन जाएगा. अगर गिरने का रहेगा ना, तो अपन उसको कभी रोकेगा नहीं. उल्टा उसका वो छतरी जैसा होता ना, पैराशूट. हाँ, वो पैराशूट बन जाएगा. नींद आया तो तकिया बन जाएगा, नहीं आया तो लोरी बन जाएगा. कुछ चास्ती बोल दिया ना, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता है, अपन उसको बोल देगा, तू निकल अपने सपने के पीछे, और जिधर भी पलट कर देखेगी ना, अपन खड़ा मिलेगा तेरे पीछे. Ravi Nair refused. भगवान ने हमारी सुन ली रे. अबे येड़े, ना बोला उसने. मैं जरा वो मार के आता है. ओके. एक बार वापस ट्राई करके देखते हैं ना. Maybe we can change his mind. ये तात्या, छोकरे लोग को सामान के साथ भेज. He took 10 days to decide. हम उसको नया क्या बोलेंगे? वो मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं. फाइन, लेट्स वेट फॉर टैरेट. अभी साथ में जाना था ना, अब अलग से टैक्सी लाना पड़ेगा. क्यों? वो गया रवि नायर के ऑफिस उसको मारने. व्हाट? हमेशा की तरह मार के आता हूँ, मतलब वी गॉट स्टॉप हिम. ये तू रवि नायर है? यस. जिंदगी दो चॉइस देती है बॉस. चलो यहाँ से. I'll talk to him. अब बाहर जाओ मैडम, इससे तो अपन बात करेगा भी. क्रिस, what are you doing here? और ये कौन है? ये कौन? Hey, Mikey, what do you say in Hindi when you want to stop someone? तुमको मेरी कसम, कसम. Tarot, तुमको मेरी कसम. Stop. भाई, किसको देने का है? कौन भाई? क्या देना है? Now who the hell are these people? वो रूम में लाइट कम है ना? आपको ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट बदलने का है क्या? What? नहीं जी, जा. भाई, इसका क्या करूं? आपके साइकिल के लिए कुछ चेनमेन चाहिए? नवा है. नहीं चाहिए. जा, चल, चल. भाई, खाली बोतल लाया हूं. सोडा लेके नहीं आया? ए, जाना, जा, जा. सॉरी. सोडा? अगर तुम लोगों का ये तमाशा खत्म हो गया हो, तो तुम मुझे बताओगी? What the hell are you all doing here? Mr. Nair, I wanted to know what happened. Why did you refuse? I don't believe you, Chris. And I already told you about it. अगर होना होता, तो होता. But we... Listen, Chris. Please, समझा करो. I can't lose my job over this, right? अगर तुम लोग flop हुए, I lose my credibility. My career is over. अब ऐसे में कौन क्यों risk लेगा? Risk? वो तो आपने already ले लिया है, Mr. Nair. कल क्या होगा, I'll tell you. These boys, they are so good that they're going to be big. इनका नाम हिस्ट्री में आएगा, लेकिन हिस्ट्री में एक और नेम आएगा, वो है आपका. अब वो इनको सिलेक्ट करने के लिए आएगा या इनको रिजेक्ट करने के लिए आएगा, यू डिसाइड.
ओके दिया, लेकिन सिर्फ 3 मिनट और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। That's all we need. And hey, I'm not paying for this, yeah? मैं समझा नहीं मैडम, पैसा नहीं मिलेगा, अब पैसा काय को नहीं मिलेगा? इतने प्रॉब्लम के बाद उसने हाँ बोल दिया and you want money? What is wrong with you, Tarot? इसको इन्वेस्टमेंट समझ के करो। ओह मैडम, अब इसमें इन्वेस्टमेंट किधर से आया? If you want a fruit tomorrow, you have to sow the seed today. क्या क्या बोला? आज बीज बोएगा तो कल फल खाएगा ना? ये बाबा, आपने को फल भी नहीं चाहिए? Tarot, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये। Look at me, Tarot. Do you trust me? So forget all this, okay? Just practice. We have a big day coming up. चलें? ठीक है। 2 मिनट। अपन मार के आता है। मैंने बोला ना इन्वेस्टमेंट है। हाँ ठीक है, मार के तो आने दो। बाद में फायदा होगा ना? अरे लेकिन आया तो अभी है ना। मैं भी साथ चलूंगी। ओ मैडम, जब आपको मारने का होगा ना तब जाने का, अब मुझे मार के आने दो ना। नो टैरेट, तुम फिर जाके फाइट करोगे। अरे माँ जी आई, मेरे को सच्ची में मुतने का है यार। ओ, ओके, गो। सॉरी। अब आने का है? नो। जाना। बाबा आशीर्वाद दो। भाई लोग काम फतेह हो गया, अपने को क्लब में बजाने का मौका मिल गया, अब होगा जलवा। लेकिन इस काम का पैसा नहीं मिलेगा। क्या? जाने दे, जाने दे, जाने दे। पैसा नहीं तो आया क्यों? पैसे नहीं मिलेंगे? हट, कहे तो नहीं मिलेंगे भाई। इधर रास्ते में बजाने का पैसा मिलता है और ये इसको तो मुंह से उठाने का भी मिलता है। कैसी थकेली जगह पे लेके जा रहा है यार तू। ग्रीस, इन्वेस्टमेंट रे। इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वेरी बिग रिस्क। देखो भाई लोग समझो, पहली बार एक बैंजो बैंड को स्टेज पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, कितने इज्जत की बात है, ये मौका मत जाने दो। देवदास, सुनने आए क्या? बजाने चल। Gana kulla kare sara na na jab ke kare gana na na hindi gitar kandi utar kulla kare sara na na na
तरण भाई बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी। अरे छोड़ ना, क्या पानी पागल, चल सर। अरे मैं तो आप सबको अंदर बुलाए प्लीज। Oh, hey guys, come on in. Come, come, join us for dinner. तू बैठ, अपन वहां बैठता है। नहीं सर, ये आपके लिए सर। तनाट भाई, बाल काट रहा है क्या? अपन तो नहीं काट रहे। अभी तो बजाया, अब इससे क्या बजाने का? कटिंग दे रहा है क्या? थोड़ा और भरना। पार्सल मिलेगा ना बाटली में? क्या बाबा के लिए लेके जाएगा रे? ए, दारू का हवा में तो नहीं उड़ेगा ना? नो सर। हाँ, दारू का इज्जत कर। यस सर। सो आज का परफॉर्मेंस ठीक था? तुम सब तैयार हो अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए? हाँ। मेरा मतलब है कि हे, एडवांस मिलेगा? हम रेडी है। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। पंच पे बोले उछल के बोले बदल रही हमारी दास्ता है बुल्ला करे पटाखे छुड़ाना बजा के ये धमाल कमाल धमाल कमाल धमाल का भाई। न्यूज देखो न्यूज। क्या भाई? तराड़ भाई ने क्लब में परफॉर्मेंस किया है, जबरी जबरी भाई जबरी। क्या बोलता है? अभी लगता है बैंजो पार्टी के अच्छे दिन आएंगे आएंगे। बजाओ। अरे वाह, अपने बस्ती का बच्चा लोग तो छा गया रे। बस्ती में सबको एक एक किलो प्याज बांट। साला
उस दिन उस लड़की के साथ लफड़ा नहीं होता ना, आज इधर अपना फोटो था अपना। पता नहीं वो लड़की अपने को ढूंढते क्यों नहीं आई। भाई वो तराटने नहीं आने दिया होगा उसको। हाँ बराबर, साला किधर का किधर लेके गया उसको और हम लोग इधर ही चढ़ रहे। हेलो, हाँ भाई वो बुलाने के आदमी का फोन है, तुम्हारे को मिलने को मांगता है। अब ये कहे के लिए बुला रहे you want, say what you want, say what you need, say what you breathe, say what you stay, what you are, stay what you are, stay what you say that you love. So, what do you think? दूसरे गाने के लिए अच्छा रहेगा ये। Yeah, totally. one second. Yep. Hey, babes. Hey, girl. कैसा है तेरा? Darren. उसने कुछ नया किया या नहीं? Come on, stop it. Right now, the focus is our band. हमें sponsors मिल गए. And you know what? हमें मुंबई के famous Sobo Music Festival ने approach किया है। I'm so happy. हमारे tours होंगे, हर जगह हमारा नाम होगा। It's gonna be awesome. Hey, you need to go. Okay, cool. I'll talk to you later. Bye. Bye. You've changed. Huh? जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, तो everything was my dream, my music, you know, मेरे गाने। और अब देखो, हमारा band, हमारा music, हमारे गाने, not bad, huh? Who could ask for anything more? तो कब बनाना है हमारे बैंड का नेक्स्ट गाना? 20 नवंबर बर्थडे मेरा, उसमें तुम लोग बजाने का? वो तुम्हारे मैडम के लिए जैसा बजाया था ना, वैसा टाइप का जलवा हो जाना चाहिए। और पैसा तू दिल शर्ट पैंट सब खोल के मांग लेना। नहीं नहीं पटेल साहब, इस काम का अपन को पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा क्यों नहीं चाहिए? वो आप इसको इन्वेस्टमेंट समझो ना। इतना प्यार करता है तुम मुझसे पटेल साहब, तो मेरा एक काम करते हैं। ए, तुम लोग बाहर जाओ। चलता हूँ साहब, खुदा हाफिज। इसको काय को रोका? क्या मालूम, एक बड़ा वसूली है। अरे मेरे को बस मालूम है रे, तेरे को कोई वसूली का काम छोड़ने का है, सेटल होने का है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम करते हैं, तेरे को रिक्वेस्ट है। चल 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 चल, बाप को बर्थडे गिफ्ट दे रहा है समझ के कर दे, कर देना यार, कर दे। चल हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ पाटिल साहब, पर लास्ट टाइम भुलानी, जिस हाथ से बैंजो बजाता है अगर उसी हाथ से कान के नीचे बजाया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हा? अरे बाबा वेट हो रहा है, अरे किधर है पैसा, जल्दी ला। अरे बाबा तुम काम का आदमी है, अगर तू मेरे काम आएगा तो मैं भी तुम्हारे काम आएगा ना। एक ऑफर है, ऑफर ध्यान से जाओ। लगा लगा। अरे ओ भाई तू था किधर? बुलाने के पास गया था, उसके लिए काम करने का ऑफर दिया उसने। छोड़ना। तराट भाई। हाँ। ये क्या है? पाटिल साहब के बर्थडे का सरप्राइज है। अरे भाई है क्या, खोल के देखते हैं ना। छोड़ना, बाद में देख लेना। ऐसा है क्या अंदर? बर्थडे के दिन देख लेना।
छोड़ना। इसको पकड़ के रखो। अरे पुलिस को बुलाओ कोई जल्दी। माइला तुझा बहुत मस्ती तेरे को, बहुत मस्ती तेरे को। साला बैंजो बजाते बजाते लोगों को बजाने लगा तू। बोल बोल गोली क्यों मारा, बोल गोली क्यों मारा। मुझे कुछ नहीं पता साहब क्या हो रहा है। पटेल साहब अपने बाप के जैसा था। साला एक बाप को गोली मारा और दूसरे को गोली दे रहा है। तेरे डिब्बे में से घोड़ा कैसा निकला? निकला के नहीं निकला घोड़ा। वो बंदर जिसने गोली मारा कहाँ भाग गया? बोल अभी क्यों सामान बंद नहीं करी? Excuse me. बोल ना। What are you doing? Stop. कौन बोला है? सर ये वही है जो इनके साथ घूमते रहती है। तुझे मायला मारते रहो सरों को। कब से जानती है इसको? हाँ इनारे है ना, तू इधर क्या कर रही है? पासपोर्ट बता। सर पासपोर्ट आप... ए तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने का नहीं। कल घूमती इनके साथ क्या तू भी इन्वॉल्व है? You think I'm a criminal? ए सवाल नहीं करने का। सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रही है? मर्डर का चार्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हलवा नहीं है। और जब तक केस चालू है ना तब तक क्रिमिनल के आसपास रहने वाला भी क्रिमिनल है। चल निकलो यहाँ से, चलो। तू दरवाजा क्यों बंद करता रे? मारो फिर और मार। हमको लॉयर हायर करना पड़ेगा। चला चला निगा था। बेल हो गया तो ज्यादा उड़ना नहीं, मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है। उधर पाटिल गया और इधर तू साला क्रिमिनल। एक्सक्यूज मी देयर आर्टिस्ट। हे कौन आर्टिस्ट? ये आर्टिस्ट है? अरे मोरे सुना कि नहीं तूने, आर्टिस्ट है ये। सर झूठ बोलना भी तो एक आर्ट है। एकदम बराबर बोला मोरे तू। ओ संगीतकार। अरे मैडम को बोला कि नहीं तूने तेरा असली धंधा क्या है? मैडम पता है कि नहीं, एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट। अभी कुछ दिन पहले तो आया वसूली करके, कह रहे हाँ बोला कि नहीं मैडम को? ओ मैडम लेके जाने का इसको ताबड़तोब लेके जाने का। मेरा साला दिमाग खराब हो गया ना तो इतना साला चार्जेस लगाऊंगा ना इस पे, फिर से अंदर करूंगा इसको। चल चल गया ऐसे। चला चला ठीक है। आ गया तुम्हारा बेटा। कहाँ जा रहा है तू? अरे क्या बोल रहा हूं मैं, तराट भाई और हम मिलके वो फिर से इनके पीछे घुसने जा रहा है। अरे तू जिसके पीछे जा रहा है ना उसने तेरी जिंदगी खत्म कर दी है, खत्म। और साले तूने हम लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। हम लोगों की पुलिस स्टेशन पे काय को मारा मारी। ए चल चल बे, तू क्या वकीली कर रहा है उसकी? बाबा मैं, तूने खुद ने क्या किया है? ये तराट के साथ बचाना चाहता था तू, अब बचा है सब। चल बाप को भी कुछ बोलना है तो बोल दो। ऑफ कोर्स आई डू टैरिट। Why did that inspector say कि तुम पैसा extort करते हो? करता हूँ नहीं मैडम, करता था। Oh really? तो कब छोड़ा ये काम? दो दिन पहले? Why did you do this, Tarek? सब अच्छा हो रहा था। How much more money do you need? Oh madam, madam, हमारे इधर बाप को ना नहीं बोलता है, और जितना पटेल साहब ने हमारे लिए किया ना तो बिल्कुल ही नहीं। आप हमारा आज सुधारना चाहते हैं उसके लिए मानता है आपको, लेकिन वो आज होता ही नहीं अगर पटेल साहब नहीं होते। पाटिल को पैसा मांगता था, उसने बोला मैंने किया पास। पाटिल ने बोला तो तू कर डाला, बुलानी ने बोला वो भी कर डाला। तुम लोग को पता है बुलानी इसका नया बॉस है। अबे जितना दिमाग है ना उतना ही बात करने का। ए दिमाग है मेरे पास, सिखा मत। उस दिन बुलानी ने इसको ऑफर दिया था और डब्बे में गन निकला। हाँ सरप्राइज सरप्राइज। कितना लिया रे तूने पाटिल की सुपारी का? अब आगे बात किया ना
तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ तो हो जाने दे। अरे अरे क्रिस। अब उधर ही चुपचाप बैठने का। अरे क्रिस क्या कर रहे हैं? तू मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे हाथ उठाया? मेरे पे हाथ उठाया तू? अरे तू क्या सोचता है? तू चला जाएगा तो मर जाएगा क्या? अबे तू क्या बैंजो नहीं बजाएगा? मैं तेरे साथ नहीं बजाएगा साले। ये सब लफड़ा है ना, तेरे बैंजो की वजह से हुआ है। वो कल से अभी सिर्फ पेपर बांटेगा। चल यहाँ से, चल के जाओ। अरे आप उनकी बात मान गया, वो समझदार था। क्या रे? तुम लोग के बोलने पर बक्सा बदला था मैंने, ये सोचकर कि उसमें ड्रग्स होगा, और जैसे ही तरार पाटिल को बक्सा देगा पुलिस की रेड होगी और दोनों फंस जाएंगे। यही बोला था ना तुम लोग ने? यही बोला था ना मुझे? तो फिर उसमें बंदूक कैसे निकला रे? जादू से निकला। कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता था ये सब। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तरार दो चार महीने के लिए अंदर जाए, उसकी इज्जत चली जाए और सीजन मेरा हो जाए। उसे मर्डर केस में फंसा कर ना, उसके पूरे बैंजो बैंड का मर्डर किया तूने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ए, उस दिन निशाना चूक गया था, लेकिन अब नहीं चूकेगा, समझा? समझ गया, निशाना तेरा नहीं मेरा चूक गया था, गलती मेरे से हो गई थी। क्या है? वाजिया है, सुनिए ना प्लीज प्लीज। ये है मैडम, ये घर है। नमस्ते सर। पेपर कहाँ है? उसका पेपर का लाइन है ना, वही सही है उसके लिए। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। तूने ग्रीस से बात करके देखी? I don't think वो किसी की बात सुनने के मूड में है। Shit man, I really wanted our band to perform at the Sobo Music Festival. I don't want to miss that. And what about the two songs I have to submit? Chris, मुझे मालूम है ये एल्बम तुम्हारा सपना है, और Sobo Music Festival में हम परफॉर्म करके रहेंगे। सुन, अगर और कोई नहीं है ना तो तुम दोनों ही परफॉर्म करो। स्पीक टू तराट, वो तुम्हारी बात सुनेगा। तुम मिले किसी से? नहीं, मैं गई थी बट किसी को मुझसे मिलना ही नहीं है। आई एम ग्लैड यू मेट मी, एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ। किसी ने सोचा ही नहीं ये सब हो जाएगा, लेकिन यही डेस्टिनी थी आई गेस। सही है मैडम, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। एग्जैक्टली, वी शुड मूव ऑन। क्या हम लोग दूसरा गाना बना सकते हैं? मैं जानती हूँ द अदर्स वोंट कम, लेकिन ये गाना सिर्फ हम दोनों भी बना सकते हैं। हम दूसरा बैंड ले लेंगे, ग्रीस जैसा भी कोई मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम अपना बैंड छोड़ दो, लेकिन एक गाना उनके बिना, जस्ट वन सॉन्ग। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मैडम। यू आर टॉकिंग अबाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा इफ आई डोंट मीट द डेडलाइन। प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो टैरेट।
दिल से सोचने को भी आप ही ने सिखाया, अब उसे भूलने को भी आप ही भूल रहे हैं मैडम। ये मैटर इधर ही छोड़ दो। सच्ची बात बोलो, आपको इधर आना ही नहीं चाहिए था। मेरे को भी लग रहा था कि हमारे साथ ये सब अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, ये सब सपना फटाफट कैसे पूरा हो रहा है। डर लग रहा था, लेकिन अब सब सही है। ये हमारा लाइफ है। देखो ना, आप आ गए और अब उनका पनौती भी आपको लग गया मैडम। हर बार जिंदगी तो चॉइस नहीं देती मैडम, इस बार एक ही दिया है। आप वापस चले जाओ मैडम, हमारे बैंजो का दुकान बंद हो चुका। Today you don't know what you're saying, but one day you will realize कि तुम without music नहीं रह सकते। Bye. You see this? एक great musician ने मुझे ये दिया था, because he saw a true artist inside of me. And today, I'm gonna give this to you. उस आर्टिस्ट के लिए जो मैंने कभी तुम्हारे अंदर देखा था। I hope you find him. Bye, Terry. सही पर चुने को नीचे झुका, दुबलते ही लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। कभी जीते करते थे नजारे, बनी है उन ख्वाबों की मजारे। करते थे नजारे, बनी है उन ख्वाबों की मजारे। चूरा चूरा टूट कर क्यों आशियाना हसरतों का हुआ रे। सीने में दर्द का डरा सा है, पिघला नहीं बुत तेरा तू ही बता। इस टूटे दिल से अब निभाऊं क्या धर्म, दाता तेरा कैसा रहम हो करम। दाता तेरा कैसा रहम हो करम, दाता तेरा कैसा रहम हो करम, दाता
तेरा कैसा जो आदमी जिंदगी भर तेरे गाने पे सुनता था उसे तू ऐसी शांति इतनी शांति गलती हो गया अपन से अपन कैसे भूल गया सब कुछ मेरे जैसे एड़े को तू कितना झेला रहे और मेरे लिए क्या क्या नहीं किया तूने और अपन ने गुस्से में तेरे को क्या क्या बोल दिया और ऊपर से हाथ भी उठा दिया आई नॉट गिव हॉर्न एंड डायरेक्ट टू एक्सीडेंट विथ यू And all this locha happens. Chris quit India. मुझे माफ कर दे यार बस कर यार तुझे और माफी मांगे तो मांग ले पर तेरा इंग्लिश बस कर आज इतना खुशी हो रहा जैसे अपन के घर के बाहर कोई 8 बाल्टी पानी रख के गया हो पुलिस स्टेशन क्या चल चल ए अभी फटाफट बोलने का वो दो लोग कौन था वो किधर मिलेगा फटाफट बोल के तेरे को तो देखता है फुर्सत में साहब एक मिनट बात करूं सॉरी यार वो बॉक्स अपुन ने बदला था अपुन तेरा बुरा चाहता था तेरे से आगे निकलना चाहता था साला एक मौका मिला तो बिना सोचे समझे अपुन ने झपट लिया लेकिन सच बोलता अपुन तेरे इतना बुरा नहीं चाहता था हाँ लेकिन जब भी मैं तुझे बैंजो बजाते हुए देखता था ना तो अपने को जलन होती थी बहुत तकलीफ होती थी लेकिन साला अब जब तू बैंजो नहीं बजाता तब भी तकलीफ हो रही है फिर समझ गया अपन तेरे से तेरा बैंजो छीन के अपनी जीत नहीं है एक बैंजो वाले की तरह हरा के अपनी जीत है इसीलिए तेरा बैंजो तुझे वापस दिया बजा तू अरे अगर तू बजाएगा नहीं तो अपन हराएगा किसको अपन बहुत जल्द वापस आएगा अब पूरी तैयारी के साथ आएगा और महाकसम तेरे को हराएगा चलता हूं अगर ऐसा ही है तो ये लेते जा कभी किसी ने अपन को दिया था बोला था कि अपने अंदर एक असली पेंचो वाला है आज पहली बार तेरे अंदर एक पेंचो वाले को देखा ये उसके लिए Thank you.
सके तो माफ कर दे यार, माफ कर दे। क्रिस मैडम सही कहती थी, सबसे ज्यादा इज्जत अपने उसी के साथ कमाए और एक बार भी पैसे के लिए नहीं बजाया। उनको एक और गाना बनाना था और उनको लगता था कि अपन खुद से गाना बना सकते हैं और अपन वो गाना बना के दिखाएंगे। भाई मैं रेडी है। हेलो। हे क्रिस, व्हाट्स अप? माइकी, नंबर बदल किया क्या? एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, कांट कंप्लेन। बाकी सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे, वैसे भी उस दिन के बाद तो। लीव इट हियर, यू टेल मी, हाउ आर यू डूइंग? आई नो, सेम, जिधर माइक उधर माइकी। एनीवे, कॉल टू टेल यू आई एम शिफ्टिंग बेस टू बैंगलोर। ओह रियली? बस मुंबई आया था कुछ बचा हुआ सामान लेने। ओह, डिड यू टेक द पोस्टर? कौन सा पोस्टर? द बीटल्स वन आई गिव यू। ओह शिट, ओके आई एम गोना कॉल यू बैक। ओके, बाय बाय बाय। बॉस फटाफट कोलाबा ले ले। अरे जगू सर, किधर हो आप? आपके बारे में तो वो सब छोड़, मेरा पोस्टर लेके आ। हाँ। संभाल के रखा है ना? बस क्या सर, जल्दी कर, मेरे को फ्लाइट पकड़ने का। हाँ। सर सही है ना? देखा नहीं सर, ये वही चार लोग है। हाँ? आप इनको पहचानते हो? डेली आपके लिए इंक्वायरी करते, तीन चार दिन से रोज आपको ढूंढने यहाँ आते। क्रिस ने ये धुन बनाई थी आप लोगों के लिए। क्या हम इस गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्रिस होती तो पहले इसे परफॉर्म करती और फिर रिकॉर्ड। उसका सपना था कि वो सोबो म्यूजिक फेस्टिवल में इसे परफॉर्म करें आपके साथ। तो समझ लो कि क्रिस मैडम इधर ही है। तो मैं क्या करूं? तुम पर पुलिस केस चल रहा है। अब अगर सोबो म्यूजिक फेस्ट में तुम हमारी तरफ से गए तो कैन यू इवन इमेजिन हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? मिस्टर नायर, केस इन पर चल रहा था, बट नाउ दे हैव कम क्लीन। अब ऐसी कोई इश्यूज नहीं है। इन लोगों के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, आई एम श्योर। सर, क्रिस मैडम के बारे में तो सोचो। उसी का तो सोच के तुमको मौका दिया था, लेकिन वो तो बिना कुछ दिए ही चली गई। ओ सर, जरा इज्जत से बात करो। Who do you think you're talking to, huh? मैं जैसे भी बोलूं, तू है कौन साले? तेरी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? अरे सोबो म्यूजिक फेस्ट तो छोड़, एक स्टेज नहीं मिलेगा तुझे मुंबई में। रास्ते से आया है ना, वापस वहीं जा। तेरा वो बैंजो बजा और भीख मांग कुत्ते। सिक्योरिटी, तुझे मारूंगा नहीं, तेरी बजा के जाऊंगा। उसी दिन उसी जगह तू रोक के दिखा। अब जाग जा, सोचे क्या दुनिया, भूल जा। गणपतये नमः।
इतना तुझे फर्क पे तेरा है दरदान था छोड़ गया रूठ के गया रूठ के वो गया रूठ के सुरों को रास्ता मगर दिखा ने सोचा नहीं था कि आपसे वापस बात होएगा। आपने आपने वो वीडियो देखा मैडम? हाँ देखा। It was rocking। काश मैं वहाँ होती तुम लोगों के साथ। पहली बार ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ पूरा हो रहा है। अभी हम सबको अकल आ चुका मैडम। और समझ में भी आ गया कि जब कोई चीज़ अपन से दूर चला जाता है ना, तभी उस चीज़ का असली कीमत पता चलता है। तुम बैंजो की बात कर रहे हो, राइट? आप आ जाओ ना मैडम। एक्चुअली इस बार तुम लोग क्यों नहीं आ जाते? बोले तो न्यूयॉर्क, लेकिन वहां के लिए तो टोल भरना पड़ेगा ना। हाँ वही वीजा, फिर से टेंशन। लगता है वापस पीना पड़ेगा। Where have you traveled before? लातूर, बीड, पुणे, कोल्हापुर, पिंपरी चिंचवड। हाय शिर्डी। हाँ शिर्डी। Where all will you be traveling to the US? White House. Where are your papers? Yeah. I am the paper. Yes. What's the purpose of your visit to the US? Meeting air hostess.
No, overseas. Seas? Mud Island.